1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उनकी अगुवाई में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इस फैसले से पूरी दुनिया चकित रह गई थी। बता दें कि साल 1974 के बाद भारत का यह पहला परमाणु परीक्षण था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। वाजपेयी के परमाणु परीक्षण वाले फैसले का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत से आंखें मिलाने में डरते हैं। अगर वाजपेयी ने यह फैसला न लिया होता तो यूक्रेन जैसी हालत भारत की भी हो सकती थी। ये सवाल आज यूक्रेन की स्थिति को देखकर उठ रहा है। हालांकि वाजपेयी के आलोचक इस परीक्षण की जरूरत पर सवाल उठाते रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि भारत के इस कदम के जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने आउटलुक मैगजीन के 5 अगस्त 1998 के अंक में परमाणु परीक्षण की आलोचना की थी। उन्होंने द एंड ऑफ इमेजिनेशन नाम से एक आर्टिकल लिखा था। अरुंधति रॉय ने लिखा था, अगर परमाणु युद्ध होता है तो ये एक देश का दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं होगा। हमारा दुश्मन ना तो चीन होगा ना ही अमरीका। उनके मुताबिक हमारी दुश्मन पृथ्वी होगी, उसके तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उनका आक्रोश हमारे लिए बेहद खतरनाक होगा। बता दें कि पोखरण में परमाणु परीक्षण से खुश विश्व हिंदू परिषद ने पोखरण की रेत को पूरे भारत में प्रसाद के तौर पर बांटने की मांग की थी। इस घटना का जिक्र करते हुए अरुंधति रॉय ने कहा था कि ये लोग देश भर में कैंसर की यात्रा चाहते हैं क्या? इस परमाणु परीक्षण के बाद अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वाजपेयी की कूटनीति के कारण साल 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने लागू पाबंदियां हटा ली थी। इसी तरह के और ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।